फिल्म ओरू अदार लव जो लास्ट वीक वैलेंटाइन डे पे रिलीज हुई थी एक बार फिर लैमलाइट में आ गई है। जैसे पिछले साल प्रिया वॉरियर की आंख मारने वाले सीन ने फिल्म को काफी फेमस कर दिया था, इस बार फिल्म के क्लाइमेक्स की वजह से दोबारा काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। दरअसल बात ऐसी है कि फिल्म का क्लाइमेक्स ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया था और फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ओमार हार मानने को तैयार नहीं है और वो फिल्म को दोबारा रिलीज कर रहे हैं, वो भी एक नए क्लाइमेक्स के साथ। जी हाँ, फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को दोबारा शूट करके वापस फिल्म में डाला गया है। टोटल 10 मिनट का क्लाइमेक्स सीन शूट किया गया है और फिल्म का ये नया वर्जन आज से थिएटर में देखने को मिल रहा है। मैंने इससे पहले फिल्म ओरू अदार लव का रिव्यू किया था जिसमें काफी सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि फिल्म का क्लाइमेक्स क्या है, तो आपने मांगा और मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फिल्म के असली क्लाइमेक्स को पूरी तरह समझाऊंगी और उसके बाद जो नया क्लाइमेक्स रिलीज किया गया है वो भी आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, अगर आप फिल्म को थिएटर में जाके देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। तो फिल्म की एंडिंग में होता कुछ ऐसे है, रोशन प्रिया और गादा के बीच एक लव ट्रायंगल बन जाता है। प्रिया जो कि रोशन की गर्लफ्रेंड है उससे नाराज है क्योंकि रोशन के फोन से स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ अश्लील वीडियो सेंड हो गए हैं। वो इस बात को लेकर इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। तो प्रिया को जलाने के लिए और उसे वापस पाने के लिए रोशन अपनी बेस्ट फ्रेंड गादा के साथ मिलकर प्यार का नाटक करता है, लेकिन असलियत में होता यह है कि इस नाटक को करते करते उन दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब वो अपनी दोस्ती को प्यार में बदलते उससे पहले प्रिया वापस रोशन की लाइफ में आ जाती है, लेकिन तब तक रोशन को रियलाइज हो जाता है कि उसको सच्चा प्यार सिर्फ गादा से है और प्रिया के साथ सिर्फ अट्रैक्शन था, इसीलिए वो मन बना लेता है गादा को प्रपोज करके उसके साथ अपने प्यार को आगे बढ़ाने का। इसके लिए वो गादा को एक हिल स्टेशन जैसी जगह लेकर जाता है और उसे रिंग देकर प्रपोज करने के बारे में सोचता है, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि रोशन और गादा को अकेला देखकर कुछ ड्रग एडिक्ट गुंडे जैसे लोग उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मतलब ये इतना बढ़ जाता है कि वो गादा को सेक्सुअली असॉल्ट करने लगते हैं। तब रोशन उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो 4-5 और ही अकेला, इसलिए वो रोशन को मारपीट कर बेहोश कर देते हैं। और फिल्म के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि रोशन और गादा को एक दूसरे से अलग करके जो ड्रग एडिक्ट्स का लीडर है वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर रोशन के सर पे मार देता है। इसके बाद वो रोशन को हिल से नीचे फेंक देता है और यहाँ पर द एंड लिखा हुआ स्क्रीन पर आ जाता है। अब फिल्म की ये एंडिंग ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और लोगों ने डायरेक्टर को काफी बुरा भला सुनाया था, इसलिए फिल्म के डायरेक्टर ओमार ने एक नया क्लाइमेक्स शूट करके फिल्म में डाला है। ये क्लाइमेक्स पिछले बार की तरह ट्रेजेडी वाला नहीं है बल्कि फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग दे दी गई है। दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स को ऐसे चेंज किया गया है कि रोशन और गादा की दोस्ती है वो सच में आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। रोशन गादा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है और गादा भी रोशन को प्यार करती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे डायरेक्टर ने ट्रू लव का मोड देकर फिल्म को छोड़ दिया है। सच बोलूं तो क्लाइमेक्स बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। फिल्म काफी खिंची हुई और लंबी है और इसमें एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टर को ये बात समझनी चाहिए कि ऑडियंस एक फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करती है। सिर्फ एंडिंग बदलने से फिल्म हिट या फ्लॉप नहीं होती है। मेरी बात मानिए तो आप इस फिल्म को स्किप करिए, ये वो लव स्टोरी नहीं है जिसे आप लव करना चाहोगे।